कैसे हो यार? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि अब मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं एक अगली ट्रिप पे जा रहा हूँ जो कि है मसूरी। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:45 और हमें 6 बजे निकलना है। तो बस अभी सब लोग तैयार हैं। ये मेरा आज का आउटफिट है, टी शर्ट एंड ब्लू जीन्स एंड वाइट शूज, ये मेरा आज का आउटफिट है। और बस यार अभी यहाँ से अराउंड 15 मिनट्स में निकलेंगे। पैकिंग वगैरह सब हम कर चुके हैं और बस यहाँ से डायरेक्टली बाय कार हम लोग जाएंगे मसूरी। तो आपको रास्ते में मिलता हूँ, अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं। भाई पेट्रोल भर चुका है और अब हम रेडी हैं निकलने के लिए। ब्रेकफास्ट गाइज, और अभी अभी टाइम हो रहा है 8:55 और अभी हम लोग यहाँ से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और अभी होपफुली और कोई स्टॉप नहीं लेंगे। 200 किलोमीटर रह गया, 3-4 घंटे का रास्ता है, हम लोग कोई स्टॉप नहीं लेंगे और यहाँ से डायरेक्टली निकलेंगे। और अभी 9 बजे मेरी क्लास है, तो फिर लेट्स गो, फटाफट आगे बढ़ते क्लास लेंगे क्योंकि कॉलेज की छुट्टी तो हम कर नहीं सकते ना। चलो सो गाइज, अभी हम लोग खड़े हैं उत्तराखंड बॉर्डर पे और मैंने मास्क इसलिए पहन रखा है क्योंकि जस्ट मेरे पीछे वो बॉर्डर ही है और हमें बॉर्डर से पहले यहाँ पे आने को बोल दिया क्योंकि यहाँ पर कोविड की जो है उसकी सारी टेस्टिंग वगैरह चल रही है पीछे। तो अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट्स हैं तो फिर वो आपको जाने देंगे, आप कोई सा भी टेस्ट करा के आ जाओ। लेकिन अगर आपके पास रिपोर्ट्स नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर टेस्टिंग करवानी पड़ेगी, तो जो कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है बट लोग बहुत ज़्यादा होते हैं तो रिपोर्ट्स आने में टाइम लग जाती है। सो गाइज, हम लोग मसूरी पहुंच चुके हैं और अभी मैं आपको यहाँ से यहाँ का वेदर दिखाता हूँ। तो देखो, मतलब अभी तो यार बादल हो रखे हैं तो ज़्यादा व्यू तो दिखेगा नहीं, बट अभी हमने इस होटल में चेक इन किया है। तो ये होटल है, होटल विकास करके एक होटल है, बहुत प्यारा होटल है, बहुत बढ़िया होटल है। और अभी मैं आपको इस होटल का कुछ दिखाता हूँ व्यू। ये देखो, होटल के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा पार्क जैसा है और अपने पास यहाँ पर एक्सक्लूसिव पार्किंग है जो यहाँ पे आए हैं गाड़ी खड़ी करे। और ये होटल की पार्किंग नहीं सॉरी, ये होटल के रूम्स हैं। अब मैं आपको एक एक करके, अब हमने दो रूम लिए, एक ये हमारा रूम है और एक ये वाला हमारा रूम है। तो अभी मैं आपको एक एक करके रूम दिखाता हूँ अच्छे से। तो यार ये एक रूम है, ये देखो अभी लाइट्स ऑफ है। तो ये एक बेड और यहाँ पर दो सिटिंग दी है, एक छोटा सा यहाँ फ्रिज दिया है और एक ये वार्डरोब है अपना। यहाँ से बालकनी से व्यू आता है बाहर का। और ये यहाँ पे फैंस तो होते नहीं है यार, तो एक ये भी एक टेबल फैन है और ये एक छोटा सा मिरर है। तो और बाकी एक मिरर यहाँ भी दिया हुआ है वैसे। और ये हमारा वॉशरूम है, ये देखो छोटा सा ही है यार, मतलब कुछ खास दिखाने लायक वॉशरूम में तो है नहीं। तो ये एक रूम है। दूसरा रूम जो है यार ये वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी मैं आपको दूसरा रूम भी एक बार दिखा देता हूँ। तो गाइस ये हमारा दूसरा रूम, यहाँ ये थोड़ा गंदा हो रखा है तो देख लेना। तो ये एक बेड है, ठीक है, यहाँ पर एक सिर्फ एक सोफ़ा एक्स्ट्रा है और
टीवी भी इवन है, फ्रिज भी है, और बाकी ये वार्डरोब है, वार्डरोब छोटा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा सामान पड़ा है। एक ये अच्छा सा मिरर भी दे रखा है हमको, और उसके अलावा ये वॉशरूम तो वही है, सेम ही है। तो यही है यार, यही दो रूम है, और ये रूम हमें पड़ा है 1000 का एक रूम। तो मेरे हिसाब से यार ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है, बट रूम अच्छा खासा बड़ा है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:15 और हम अपने होटल से निकल चुके हैं, और अभी हम लोग मॉल रोड में घूम रहे हैं। सबसे पहले खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद हम आगे यहाँ इस मॉल रोड को आज एक्सप्लोर करेंगे। आज का दिन मसूरी में हमारा इसी का है, तो अभी सबसे पहले खाना खाते हैं यार, और उसके बाद जगह देखते हैं और आपको मैं साथ साथ दिखाता हूँ। साढ़े तीन का टाइम है, और देखो क्या मौसम हो रखा है एकदम। मसूरी में बारिश हो रही है हल्की हल्की, और बहुत ही ज़्यादा फॉग आ चुकी है 3:30 पे ही, तो पता नहीं क्या रहेगा आगे, और ठंड भी हो गई है। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 4:30। हम लोग खाना खा के वापस आ गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जैसे कि मैंने आपको बताया और दिखाया भी, तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए और जल्दी से घर वापस आ गए थे, मतलब होटल में वापस आ गए थे। और अभी मैं अपने रूम में हूँ, मैं रेस्ट कर रहा हूँ और साथ में मैच देख रहा हूँ, और मम्मा पापा अपने रूम में हैं, और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल तो बारिश रुक चुकी है, और कोशिश ये है कि अराउंड 5:30 इवनिंग के टाइम पर हम लोग एक बार फिर से मॉल रोड की तरफ जाएंगे, और जो भी थोड़ा बहुत वहाँ पर घूमना होगा वो हम लोग घूमेंगे इवनिंग में, क्योंकि यार अभी खाना खा के आए और बिल्कुल मौसम ऐसा हो रखा था कि बिल्कुल घूमने का कोई हालात थे ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। तो हमें लगा कि वहाँ पर कहीं बैठने से अच्छा है कि वापस रूम में आ जाएं, क्योंकि रूम से मॉल रोड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इट इज़ अबाउट मान लो 100 मीटर्स का ही डिस्टेंस होगा। अभी टाइम हो रहा है 8:30, और अभी हम लोग डिनर करने के लिए निकल रहे हैं, और हम लोग बीच में मॉल रोड गए थे जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो हम लोग गए थे और थोड़ी देर ऐसे ही पूरा मॉल रोड अच्छे से देख के घूम के वापस आ गए थे, और अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। और अभी का मेरा ब्लू शर्ट और ग्रे लोअर और ब्लैक शूज़, तो अभी हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, और अभी सी कहाँ पे डिनर करेंगे, क्या खाएंगे आपको दिखाता हूँ। सो गाइज दैट वॉज द एंड ऑफ टूडेज व्लॉग। यार अभी टाइम हो रहा है 11:15, हम लोग डिनर करके वापस आ चुके हैं, और अब मम्मी पापा अपने रूम में हैं और हम अपने रूम में हैं, हम मतलब मैं और मेरा ब्रदर, हम अपने रूम में हैं। तो यार गाइस दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, और अगले व्लॉग के लिए नोटिफिकेशन की घंटी भी प्रेस ज़रूर से कर देना, और कल का व्लॉग मिस नहीं करना। कल के व्लॉग के अगर मैं छोटी सी एक हिंट दूँ, तो कल हम लोग जाएंगे मसूरी से और ज़्यादा ऊपर, तो होपफुली जाएंगे, तो कल का व्लॉग देखना और कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से हम कल कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं यार कल, गुड नाइट, बाय बाय।